बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ जिसमें तकरीबन 10 लोग घायल हो चुके थे। फिलहाल इस मामले में इन्वेस्टिगेशन राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA कर रही है। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिशें की जा रही है। ऐसे में ये तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि इस मामले में NIA ने अब्दुल सलीम नाम के एक इस्लामिक आतंकवादी को गिरफ्तार किया और वो PFI का सदस्य भी है। यही दावा कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर किया, वही देखते ही देखते मीडिया आउटलेट्स ने भी इस दावे को आगे बढ़ाया, जैसे नवभारत टाइम्स, ETV भारत, ऑर्गेनाइजर और हिंदू पोस्ट। इस मामले में छानबीन करने पर हमें अब्दुल सलीम की गिरफ्तारी के बारे में कई रिपोर्ट्स मिली। द हिंदू की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अब्दुल सलीम को निजामाबाद PFI मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिसंबर 2022 में NIA ने निजामाबाद PFI मामले में 11 लोगों के खिलाफ आरोप दाखिल किया था और इसमें अब्दुल सलीम पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोप पत्र में बताया गया है कि आरोपी अब्दुल सलीम भारत सरकार के साथ साथ अन्य संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ नफरत और जहर उगलने वाले भाषणों से भोले भाले मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा था और उन्हें PFI में भर्ती कर रहा था। यानी अब्दुल सलीम की गिरफ्तारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इन्वेस्टिगेट किए गए एक और मामले के तहत की गई थी। ऑल्ट न्यूज को ETV भारत की इस रिपोर्ट में अब्दुल सलीम की हाल में वायरल तस्वीर मिली जिसे लोग बेंगलुरु ब्लास्ट के संदर्भ में शेयर कर रहे थे। इस रिपोर्ट में कहीं भी रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का जिक्र नहीं है, यानी अब्दुल सलीम की गिरफ्तारी का बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट से कोई संबंध नहीं है। वहीं इस मामले में ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।